देखिए, अगर आप अगर मैं सच बोलूं, आप मेरा यकीन मानिए, आज मैं बहुत मायूस हो गया हूँ। मेरे लिए ये मायूसी की बात है जो आज यहाँ पे उमर साहब ने ड्रामा किया। मुझे लगा था कि जो मेरा नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था, उसके बाद एक बयान आया था कॉम्पिटेंट प्रेसिडेंट साहब का कि हम 130 दिनों में ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर करेंगे। अगर आप सब मीडिया वालों को याद हो, तो जो ये आपने वैन देखी, ये जो हुपर वैन्स देखी, ये मेरे टाइम में आई, ठीक है। अगर आज इन हुपर वैन्स पे ड्राइवर्स होते तो मेरे लिए खुशी की बात होती। मतलब ये 3-4-5 महीने से ज़्यादा डाक बंगले में सड़ रही है और प्रेसिडेंट साहब ने अभी तक ड्राइवर्स नहीं लगवाए। और जब मैंने प्रोसेस किया था ड्राइवर्स का, उसमें कुछ कोर्ट केस आया, 4 महीने में ये उस केस को सेटल नहीं कर पाए। और अगर आज इन हुपर्स के ऊपर ड्राइवर्स होते, शायद बारामूला की आवाम को फ़ायदा मिल जाता। ये दिखावे के लिए काम ना मैंने किया और ना करना चाहिए। और जो यहाँ पे आपने ये देखे काम के जो फाउंटेन है, ये मैंने रखवाया था, चाहे क्लॉक टावर है, ये मैंने रखवाया था। हमारा ऑफिस बिल्डिंग का जो काम था, उस पे खाली 10% का काम था, उसका टेक्निकल सेंक्शन था, बाकी चीज़ें थी। अगर ये वो करवाते, मैं मानता कि इन्होंने बहुत कुछ काम किया। बड़ी अफसोस की बात से मुझे कहना पड़ता, जो आज मैंने ये देखा, ये जो इनॉग्रेशन, ये जो अभी आप काम देख रहे हैं, ये जो पाथ बन रहा है, ये जो काम चल रहा है गुरु नानक स्कूल के अपोजिट, ये मैंने रखवाया था, क्योंकि आप देखिए जो ड्रेन ख़त्म हो गई थी। अगर कुछ नए काम होते ना, इन्होंने जो दावा किया था, मुझे लगता था ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो 4 महीने में मैंने प्लान्स किए थे वो तक नहीं हुए। ऑफिस बिल्डिंग का फाउंडेशन नहीं लगा, उसका काम नहीं, जो कि मैंने पूरा कंप्लीट उसका प्रोसेस किया था। हुपर्स आज यहाँ पे आए, लेकिन उनके ऊपर ड्राइवर नहीं। मतलब ये आप ये देखें ना, कितनी बदकिस्मती की बात है। ये जो 4 महीने पहले मैंने, जब मेरा नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था, उससे पहले डायरेक्शन ऑफिस से हमारे पास आया कि आप लाइटें खरीदो। मैंने 20 लाख का अप्रूवल दिया। ये इतने महीनों में लाइटें नहीं खरीद पाए। जब मेरे टाइम पे हमको ब्लैंकेट बैन थी, आप लाइटें ना खरीदें। जब मेरे पास डायरेक्शन ऑफिस से मैसेज आया आप लाइटें खरीद सकते, उसी टाइम मैंने काउंसिल में रेजोल्यूशन पास करके हमने बोला लाइटें खरीदेंगे। 3 महीने में ये लाइटें नहीं खरीद पाए। फिर बोलते हैं जनाब, हमने ये जो इनॉग्रेशन, ये जो फाउंडेशन, दिस इज़ ऑल फेक। ये जाते जाते बारामूला के आवाम को धोखा देने की और कोशिश है। और हालांकि मैं मानता हूँ हमारे यहाँ लोग बहुत ही मैच्योर है, सेंसिबल, उनको पता है। अगर ऊपर से अगर ये काम हुए होते, अगर फाउंडेशन अगर काम हुआ होता, फाउंटेन का अगर काम हुआ होता, क्या कहते हैं क्लॉक टावर का जो मैंने रखे हैं, जिसका अप्रूवल मेरे फेसबुक पे भी है, शायद मैं मानता कि बड़ी अच्छी बात हुई है। मैं आज बहुत मायूस हुआ। और जो इनका वादा था 130 दिन में उथल पुथल होगा, वो कहाँ है, कौन सा उथल पुथल? मतलब मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे आज बहुत बुरा फील हुआ। मैं, हालांकि इन्होंने फ़ोन किया आज आना है, मैं आया। मुझे लगा था, मैंने सुना कुछ इनॉग्रेशन होने वाली है, मुझे लगा था कुछ एक्स्ट्रा काम मत इन्होंने लाया है अपने इस 3 महीने में डायरेक्शन ऑफिस से या प्रिंसिपल सेक्रेटरी के यहाँ से, मुझे लगा था कोई एक्स्ट्रा काम है। तो मैं बड़ा खुश था, मैं बड़ा एक्साइटेड था। सीरियसली, मैं दिल्ली में था, मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं आया, मैंने कहा चलो कम से कम हम बारामूला की आवाम को कुछ अच्छा सा मुँह दिखाएंगे, हमने आज ये चीज़ें की। लेकिन वही ड्रामा है जी। ये आप किससे भी पूछे, ये हुपर्स कब आए, और मैंने स्वीपर्स लगाए थे, उसमें भी कुछ गड़बड़ किया जेम पे, ठीक है। अगर ये स्वीपर्स जो 30-40 हमें लगाने थे, और ये हुपर्स के ड्राइवर आज अगर होते ना, मैं दिल से आपको कहता, मैं बोलता नहीं जी, जो कॉम्पिटेंट प्रेसिडेंट है उसने जी काम किया, मैं बड़ा खुश हो जाता। लेकिन मतलब मायूसी की, आज आखिर दिन पे भी मायूस हूँ। साहब आप बताइए, ये इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला पहले से ही चलता आ रहा है। जब आप सदर थे तो तब आप पर भी इल्ज़ाम लगते थे, लेकिन अब आप सदर नहीं है तो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखिए, ये इल्ज़ाम नहीं, हकीकत है। एक होता है इल्ज़ाम लगाना, दूसरा होता है हकीकत। आप मेरी बात सुनिए, उन बिल्डिंगों की इनॉग्रेशन की जो ऑलरेडी इनॉग्रेट हुई, आप देखिए कौन सी बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया जो ऑलरेडी इनॉग्रेट हुई। अगर आज ये इनॉग्रेट करते ना उस बिल्डिंग को, जो मैंने 30 साल जो लगे बनने में, जो हमारे पैसेंजर शेड को जो हमने वो कम्प्लेक्स बनाया, अगर आज उसका इनॉग्रेशन होता, मैं बड़ा खुश हूँ, क्योंकि वो भी मैंने काम किया। और बदकिस्मती की बात ये भी है, उन बिचारों को अभी तक दुकानें नहीं मिली, वो दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो, जहाँ पे मैंने किसी पे डबल फाउंडेशन लगाया, मैंने किसी के नाम के ऊपर लगाया, ऐसा नहीं। मैं कह रहा हूँ, अगर उमर साहब मेरे काम का क्रेडिट लेता, मैं खुश हो जाता, लेकिन काम कहाँ है।
आपने हूपर्स को इनॉग्रेशन किया, हूपर आए थे 5 महीने पहले, इस पे ड्राइवर्स लाने थे, अगर ड्राइवर होते इनॉग्रेशन होता, क्या ये गलत है? अभी ये हूपर वापस जाएंगे तार पार्क तार वारी किस कागज वागत लगे तो खाली ये दिखावा था आज। आप देखिए ना, देखिए काम क्या होता है, आपने हूपर्स लाए, ये 4 महीने पहले आए थे, हमें प्रोसेस करना था, इसके लिए हमें ड्राइवर हायर करने थे। अगर ये आज इस पे ड्राइवर्स होते तो काम होता ना। मुझे बताएं, आपने इनॉग्रेशन किया, अभी शाम को हम रखेंगे उसको डाक बंगले में वापस, फ़ायदा क्या? आप मुझे बताएं ना। एक होता है इल्ज़ाम लगाना, सियासत में एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगते, दूसरा हुआ हकीकत में बयान करना। क्योंकि जिस बेसिस पे मुझे उतारा गया था कि मैंने काम नहीं किया, फिर आप बताएं ना आपने किया क्या। अब ये काम जो ये आपको निकल सकता है, ये मैंने रखे और मैंने करवाए, टेंडरिंग प्रोसेस भी मैंने करवाया। हाँ, ऑफिस बिल्डिंग का काम था जो कि मैं बहुत पीछे लगा उसके, मैंने सोचा था हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, चलो इसको काम करने देंगे, शायद ये कुछ अच्छा करें। और मैं इस जहन का इंसान हूँ, यहाँ पे बोला फंड्स लैप्स हुए, जो कि एक बहुत फेक नैरेटिव बनाया मेरे बारे में, मुझे बोला जी फलानी काम, मैंने कहा मैं इस जहनीत का इंसान हूँ, अगर कोई काम हो तो हो, कम से कम बारामूला की आवाम के लिए है ना, म्यूनसिपैलिटी के बाहर हो म्यूनसिपैलिटी में हो, लेकिन काम होना चाहिए जिससे आवाम को फ़ायदा हुआ, यहाँ तो काम ही नहीं है। ये फंक्शंस में जाने से मेडल डालने से इंसान कॉम्पिटेंट नहीं होता, जो मुझे इल्ज़ाम लगा था। और सबसे आपके सवाल का जवाब, आप मुझे बताएं, अगर मैंने अप्रूवल दिया था लाइटों को 4 महीने में, लाइट क्यों नहीं आई? मुझे बताएं ना लाइट्स क्यों नहीं आए, क्योंकि हमें प्रॉब्लम थी लाइट्स की। और मेरे टाइम मैंने मतलब रोया है मैंने डायरेक्शन ऑफिस में, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, हमें इजाज़त दें लाइटें खरीदने का, तो वो नहीं मिली। और जब मिली उसी टाइम मैंने 20 लाख का अप्रूवल दिया, और उसी टाइम मेरा नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ। तब से अभी तक अगर ये कॉम्पिटेंट प्रेजिडेंट होते आप तो लाइटिंग भी लगी होती। डिस्पाइट मैंने पुल्स पे लाइट लगवाई, वो जो ओल्ड टाउन का जो छठी पाछाई की तरफ जाता है वहाँ पे लाइट लगाई, क्योंकि वो सेविंग था पुराने काम में, मैंने कहा चलो इसको लाइट ही ले आओ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में आवाम को पूरा इसको मद्देनजर रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो। और मुझे काम नहीं करने दिया, और मैं खाली 2 साल प्रेसिडेंट रहा, मैं खाली 2.5 साल वार्ड मेंबर रहा, मैं मेरे को पूरा 5 साल भी नहीं मिला होता। अगर मुझे पूरा 5 साल मिला होता, मुझे लगता आज आवाम भी बेहद खुशी होती। थैंक यू सो मच।